नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी अस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने ज्योतिष ज्ञान के नाम से सीरीज चलाई है, और उसके अंदर पिछले वीडियो में मैंने अंतरदशा के बारे में आपको पढ़ाया था। आज हम शुरू करेंगे कि कौन सी दशा ऐसी होती है जो किसी जातक के लिए अनुकूल दशा होती है, और कौन सी दशा ऐसी होती है जो जातक के लिए प्रतिकूल दशा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि लग्न कुंडली के हिसाब से हम कहते तो हैं कि हमारी दशा शनि की चल रही है अंतरदशा, मैं जहां दशा की बात कर रहा हूं तो आप कृपया उसको अंतरदशा समझें। तो हम ये कहते हैं कि अंतरदशा हमारी शनि की चल रही है या हमारी अंतरदशा बुध की चल रही है, लेकिन वो दशा हमारे लिए अच्छी है या नहीं है ये जानना भी बहुत आवश्यक है। तो अनुकूल और प्रतिकूल दशा कैसे मालूम करते हैं ये बहुत आवश्यक है। वैसे तो एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है कि जो लग्न के मित्र होते हैं उनकी दशा अनुकूल होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप इसको डीप में जाके सोच समझ सकते डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे कैसे दशा आपको अनुकूल होती है और कैसे कैसे दशा प्रतिकूल होती है। तो पहले अनुकूल दशा आ जाइए। देखिए, केंद्र त्रिकोण में कोई भी ग्रह बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में कोई भी ग्रह बैठा हो वो तो उसकी दशा अनुकूल होती, यानी उसकी दशा में आपको बुरे फल नहीं मिलेंगे। अगर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसकी दशा में आपको बुरे फल तो नहीं मिलेंगे, उसकी दशा बुरी नहीं होगी। अब केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में कोई ग्रह मित्र राशि का बैठा हो, यहां तो कोई भी ग्रह बैठा हो केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में, लेकिन अगर वो मित्र राशि का बैठा हो तो और अच्छे फल मिलेंगे। ये मैं आपको बढ़ते हुए क्रम में बता रहा हूँ, अनुकूलता उसकी उसकी अनुकूलता जो बता रहा हूं मैं आपको, ये बढ़ते हुए क्रम में बता रहा हूँ। तो केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा कोई भी ग्रह उसकी दशा अनुकूल होती है, केंद्र त्रिकोण में मित्र राशि में बैठे ग्रह उसकी दशा और अनुकूल हो जाती है, और केंद्र त्रिकोण लाभ भाव के स्वामी की दशा हो तो वो और भी अनुकूल हो जाती है। तो ये अनुकूलता का क्रम है, ये ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से प्रतिकूल दशा भी होती है कि दशा कौन सी ऐसी है जो आपको फायदा नहीं पहुंचाएंगी, जो आपके लिए अशुभ फल क्रिएट करेंगी, वो कौन सी दशा है। सबसे पहले प्रतिकूल दशा जो होती है मैं आपको बताऊंगा जो सबसे ज्यादा प्रतिकूल होती है, फिर उससे थोड़ी कम प्रतिकूल, फिर उससे कम प्रतिकूल, फिर उससे कम प्रतिकूल, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं आपको बताऊंगा तो आपको आपको मालूम है। सबसे ज्यादा प्रतिकूल दशा होती है छठे आठवें बारहवें में बैठे ग्रह अगर शत्रु राशि में बैठे, कोई भी ग्रह अगर छठे आठवें या बारहवें भाव में बैठा है और शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो वह दशा 100% प्रतिकूल होती है, अच्छे रिजल्ट नहीं देती, अशुभ रिजल्ट गिविंग होती। दूसरा, छठे आठवें बारहवें भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है और वो मित्र राशि में बैठा हो, पहला केस तो हमने लिया कि वो ग्रह बैठा है वहां पे लेकिन वो शत्रु राशि में बैठा या नीच का बैठा है तो दशा बहुत ही ज्यादा प्रतिकूल है, लेकिन अगर वही ग्रह छठे आठवें बारहवें भाव में बैठा है और मित्र राशि में बैठा हुआ है तो वो दशा प्रतिकूल तो है लेकिन उससे कम हो जाती है, प्रतिकूल अभी भी है, प्रतिकूल रिजल्ट देगी आपको, अशुभ रिजल्ट देगी लेकिन उससे कम रिजल्ट अशुभ देगी जो आपको शत्रु ग्रह राशि के अंदर बैठा हुआ ग्रह दे रहा है। फिर उसके बाद छठे आठवें बारहवें भाव के स्वामी की दशा, वो भी प्रतिकूल दशा कहलाती है, वो भी दशा आपके लिए अच्छी नहीं होती, अशुभ फल गिविंग होती है पर इतनी बुरी नहीं, इतनी बाकी होती है, जो मैंने आपको दो ऊपर बताई वो ज्यादा बुरी होती। फिर आता है छठे आठवें बारहवें भाव में बैठे उच्च राशि में बैठे ग्रह की दशा। आप कोई ग्रह छठे आठवें बारहवें भाव में बैठा हो और उच्च राशि में बैठा हो तो वो दशा कैसी रहेगी, क्योंकि छठे आठवें बारहवें भाव में बैठ के बैठा छठे आठवें बारहवें में है, फल भी उसको छठे आठवें बारहवें भाव ही करने हैं, बट वो उच्च राशि में आएंगे तो दशा तो प्रतिकूल है क्योंकि फल उसको छठे आठवें बारहवें के ही कर रहे हैं, लेकिन ग्रह बलि होने से वो जो अशुभ फल कर रहा था उन अशुभ फलों में अशुभता में थोड़ी कमी आ जाए। तो सबसे कम प्रतिकूल दशा ये वाली हो, तो सबसे कम प्रतिकूल छह आठ बारह में बैठे उच्च राशि में बैठे ग्रह की दशा, उससे ज्यादा प्रतिकूल छठे आठवें बारहवें के स्वामी की दशा, उससे भी ज्यादा खराब दशा जो होती है वो छठे आठवें बारहवें भाव में बैठे ग्रह और मित्र राशि में बैठे ग्रह की दशा, और उससे भी ज्यादा खराब होती है छठे आठवें बारहवें में बैठे ग्रह की दशा अगर वो शत्रु राशि में बैठा हो या नीच राशि में बैठा। तो ये फंडा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, अगर ये फंडा आप लोगों ने याद कर लिया तो प्रडिक्शन में आपको कभी भी कोई किस तरह की प्रॉब्लम नहीं।
इसलिए बहुत जरूरी है इसको याद रखना। वैसे मोटा मोटा हम लोग ये ले भी सकते हैं कि जो अगर आप ना भी आपको याद रहे एग्जैक्टली, तो आप इसको ऐसा ले सकते हैं कि जो लगन के मित्र होते हैं उनकी दशा आपके लिए अनुकूल होती है। अब त्रिकोण के स्वामी हमेशा लगन के मित्र होते हैं तो उनकी दशा अनुकूल होती है। जैसे मेष लगन के अंदर सूर्य चंद्र मंगल की दशा अनुकूल होती है, वृष राशि में शनि शुक्र बुध की दशा अनुकूल होती है, मिथुन राशि में बुध शुक्र और शनि की दशा अनुकूल दशा होती है। तो कहने का अर्थ यह है कि लग्नेश के मित्र जो होते हैं उनकी दशा अनुकूल होती है, बाकी दशा प्रतिकूल होती है। अब इस बात को आपने ब्लाइंडली नहीं लेना है कि लग्नेश का मित्र है तो उसकी दशा अनुकूल होगी, उसके लिए स्थिति भी देखना जरूरी है कि वो किस स्थिति में बैठा है, वो भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो उसके हिसाब से भी रिजल्ट चेंज होते हैं। अनुकूल दशा तो है लेकिन उसकी स्थिति अनुकूल नहीं है, बैठ गया वो छठे आठवें बारहवें भाव में जाके, तो दशा के रिजल्ट उसके चेंज जाते हैं। वो कैसे चेंज होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी तक के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी सीखने में इच्छुक हैं वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। रेडविडी से कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो इच्छुक हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।